नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूं विनय कुमार। दोस्तों, आज हम आज का भारत में एक ऐसे काले अध्याय की चर्चा करेंगे जिस अध्याय से लोकतंत्र की खात्मे की कहानी महसूस होती है, जिसमें लोकतंत्र शून्य सा महसूस होता है, जहां लोकतंत्र की परिभाषा शून्य हो जाती है। वह कहानी है आपातकाल की। दोस्तों, जब शासक शासक हो, जब शासक अपराधी बन जाए, जब वही शासक उस अपराध का न्याय करने लगे, तो फिर वह लोकतंत्र की महत्ता स्वयं वहां खत्म हो जाती है। हां, कहानी वही है। कहानी वह है जहां आप खुद जिसको शासक समझते हैं वही अपराधी भी है, वही न्याय करने वाला है और वही संविधान है। तो आपको लगेगा कि नहीं, यह लोकतंत्र की हत्या है, यहां लोकतंत्र की मर्डर हुई है, यहां लोकतंत्र घुट घुट के जी रहा है। कहानी है 25 जून 1975 की रात की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली थी और घोषणा 26 जून 1975 को सुबह 8 बजे रेडियो पर आकर की थी। क्या था आपातकाल? क्यों उसे आपातकाल कहेंगे? आपातकाल को समझने के लिए उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को भी समझना होगा आपको। हमारे देश के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के हाथ में पूरा कमान था। हर विरोधा आवाज को वो दफन करना चाहती थी। हर जो विरोध होता था सरकार की, जिससे उनकी राजनीतिक छवि पर असर पड़े, उस विरोध आवाज को वह काल कोठली में सदा के लिए बंद करना चाहती थी। वह थी इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा निर्णय। 25 जून 1975 को रात 8 बजे, उस रात को करीब 2:30 बजे, उस समय के दिग्गज नेताओं में से एक जयप्रकाश नारायण को कैद कर लिया जाता है। उस समय के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं को भनक नहीं लगता और उन्हें तत्काल जेल की कोठली में बंद कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी वह निर्णय तो ले लेती है, लेकिन आगे इस निर्णय से क्या इस देश पर असर होता है, क्या इस देश का कानून होता है, वह हम आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। उस समय जब 26 जून को इंदिरा जी 8 बजे रेडियो के माध्यम से आपातकाल की घोषणा करती है, घोषणा में यह कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किया गया है, जिससे आतंकित होने का कोई भय नहीं है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी षड्यंत्र, कितना बड़ा स्क्रिप्ट, कितना बड़ा राज इसके पीछे है। अब आपको आतंकित होने का कोई भय नहीं है। अब इसके आगे की कहानी आपको बताते हैं। जनता का जितना भी संविधान के द्वारा अधिकार था, कर्तव्य था, सारा खत्म हो गया। लोकसभा राज्यसभा चुनाव यदि होगा तो इंदिरा गांधी के इशारे से होगा, इंदिरा गांधी जी की मर्जी से होगा। प्रेस पर ताले जड़ गए, यानी इंदिरा जी जो लिख कर उस ऑफिस में देगी वही प्रसारित होगा। सुप्रीम कोर्ट तो खुले हुए थे, लेकिन निर्णय कौन करेगा? निर्णय भी इंदिरा जी ही करेंगे। पब्लिक जब न्याय मांगने के लिए निकटतम थाना में जाता था तो वहां एफआईआर तक नहीं लिया जाता था, यानी इंदिरा जी ही सर्वे सर्वा थी। इलेक्शन का कोई चर्चा नहीं था, इलेक्शन होगा भी तो कैसे, क्योंकि इंदिरा जी का निर्णय के बिना इलेक्शन भी संभव नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज गीतकार, बड़े बड़े नेताओं को
तत्काल जेल में बंद कर दिया था। अब आप सोचे होंगे कि ये दो चार नेता को बंद करने से इस देश नहीं 13,000 से ज्यादा नेताओं को जेल के काल कोठरी में बंद कर दिया गया। 1,00,000 से ज्यादा आम जनता को जेल की सलाखों में धकेल दिया गया। अब सोचिए कि वह आपातकाल कैसा होगा जिसमें जीने तक का अधिकार को छीन लिया गया। यानी पब्लिक जब न्याय मांगने के लिए किसी सरकारी दफ्तर पहुंचता है तो वहां उसे न्याय नहीं मिलता था। हाई कोर्ट में जब वो अपील करता था, कोई जनता सुप्रीम कोर्ट में अपील करता था तो न्याय करता नहीं था। कौन न्याय करे? न्याय करने वाला एक ही था, वो थी इंदिरा गांधी। आखिर सरकार का विरोध करने वाला हर एक आवाज को जेल के काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब अगर अपराधी भी वही है और जज भी वही है तो फिर लोकतंत्र कहां है? उस आपातकाल की कल्पना आप खुद ऐसे कर सकते हैं कि हमको यदि किसी ने गोली मारा तो हम सबसे पहले हम जाएंगे थाना, और थाना में हम जब जाएंगे तो हम एक संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार के तहत हम जाएंगे इंफॉर्मेशन देने थाना में कि हमको एक व्यक्ति ने गोली मारा। यह अधिकार भी छीन लिया गया था। अब आप सोचिए कि उस 21 महीने की यह आपातकाल यानी 77 तक यह आपातकाल में कैसे इस लोकतंत्र में आदमी इस देशवासी को नुकसान उठाना पड़ा होगा, यह कल्पना मात्र से ही आंख नम हो जाती है। कहा जाता है कि कितने हिंदू भाइयों का नसबंदी भी किया गया था। अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि इंदिरा जी का आपातकाल एक लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? इंदिरा जी का आपातकाल हर उन निर्दोष लोगों की कहर, उस निर्दोष लोगों की आह नहीं है तो क्या है? वह आपातकाल जिस आपातकाल में जब बार बार हम चर्चा कर रहे हैं शासक अपराधी न्यायकर्ता एक ही हो तो फिर उस लोकतंत्र की महत्ता घट जाती है, यह भी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। वह यही आपातकाल से ही आपको महसूस होगा। कैद थे वो नेताएं जिस नेताओं ने तत्कालीन सरकार का विरोध किया था। कैद था प्रेस का वह अभिव्यक्ति आजादी जिसे प्रेस को संविधान ने दिया था। प्रेस की आजादी कभी पसंद नहीं करती थी इंदिरा जी। वह नेताएं जिस नेताओं की जुबान पर इंदिरा का विरोधाभास था उस नेताओं को इंदिरा जी पसंद नहीं करती थी। सुप्रीम कोर्ट का वह न्याय जो कि इंदिरा जी का विरुद्ध हो उस न्याय तक को भी वह पसंद नहीं करती थी। आखिर सरकार ही सर्वे सर्वा यदि हो जाए तो फिर कोर्ट की ये जो संविधान ने बनाया है उसकी महत्ता कहां है? महत्व को देखने के लिए हमें संविधान को पढ़ना होगा। लेकिन जब हम उस आपातकाल को याद करते हैं तो आज भी घुटन सी महसूस होती है। उस समय के जो बीजेपी सेनानी हैं आज वो कहानी जब बयां करते हैं तो लगता है कि नहीं, कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि इंदिरा जी और इंदिरा जी का जो परिवार है वो इस देश पर कितना बड़ा अत्याचार किया है। आगे हम अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।